हाँ, ये एक महीना का स्वास्थ्य गुरुकुल का प्रशिक्षण में सबसे पहला काम जो वैद्य उपचारक बनने के लिए एक महीना का ट्रेनिंग के लिए आएगा, इस एक महीना में अपना पूर्ण स्वास्थ्य करके जाएगा, अपना शरीर का पूर्ण स्वास्थ्य शुद्धन शोधन करेगा, शरीर के इंटेस्टाइन जो 36 मीटर है उसको साफ करेगा, पूरे शरीर के रोम रोम गोमूत्र से एकदम डुबा के उसको रखेंगे, उस एक महीना में उसको गोबर में गाड़ के उसके शरीर से जितने सारे रेडिएटेड जो मोबाइल रेडिएशन, टावर रेडिएशन, फ्रिज रेडिएशन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रेडिएशन है वो सबको न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको कच्चा खुद खाएगा, एक महीना नेचुरल डाइट पे रहेगा, एक महीना यहाँ रह के गोमूत्र नित्य पान करेगा, नित्य प्रतिदिन गोबर का स्नान करेगा, मिट्टी में गड़ेगा, एनिमा लेगा, शंख प्रक्षालन करेगा, अपना शरीर का शोधन सफाई करेगा, क्या करेगा, TGT, मतलब क्या है, पहला काम है सी सी फॉर क्लीनिंग, वो अपना शरीर का क्लीनिंग कराएंगे पैर के नाखून से लेके सर तक, सी के बाद बोलेगा जी ग्रीसिंग करवाएंगे, तैलार्णव, तैल मर्दन करेगा, जॉइंट जॉइंट पे तेल पिलाएगा, नाभि के अंदर तेल पिलाएगा, शुद्ध देसी गाय का घी नाभि में डालेगा, नाक में डालेगा, अंदर का पूरा ऑयलिंग करेगा, फुल फुल ग्रीसिंग करेगा अपना सारे अवयवों को, CGT, टी फॉर टाइटनिंग, टी फॉर टोनिंग, सही आसन प्राणायाम, बैलेंसिंग आसन प्राणायाम करके रनिंग कर, डेली उसको रनिंग पे जाना पड़ेगा, व्यायाम एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपने को फुल टोना फुल हेल्थी एक महीना के अंदर उसको करना पड़ेगा, खुद का स्वास्थ्य नहीं पाएगा, दूसरे को खुद बीमार रहेगा, दूसरे को स्वास्थ्य देने के लिए जाएगा, ऐसा वैद्य का प्रशिक्षण यहाँ नहीं होता है। तो जो भी इस प्रशिक्षण पे शिविर पे आएगा वो मानसिक प्रिपरेशन रहना चाहिए कि अपना CGT कराएगा, क्लीजनिंग ग्रीसिंग टाइटनिंग कराएगा। आप सोचो एक कार लेके खरीदते हो या बाइक खरीदते हो तो उसका ओवरऑलिंग कराते हो, सर्विसिंग कराते हो, मेंटेनेंस कराते हो, CGT कराते हो, मैकेनिकल डिवाइस का कराते हो, इंसानी शरीर है, भगवान का शरीर है, भगवान से दिया हुआ ऐसा शरीर, इसका CGT कितना बार कराते हो, क्लीनिंग ग्रीसिंग टाइटनिंग, एक बार भी नहीं क्या, पकड़ लो, क्या उम्र हो गया तुम्हारा अभी, 31 31 हो गया, कितना बार CGT किया आपने शरीर का, एक बार भी नहीं किया, तो ऐसा शरीर तो कितना दिन चलेगा बताओ। अगर एक बाइक 50-60 हजार लाख रुपया का बाइक को 6 महीना में एक बार, 3 महीना में एक बार कराते हो, और ये अनमोल करोड़ों रुपया का शरीर, इंसानी शरीर ईश्वर का प्रदत्त है, एक बार भी CGT नहीं कराया, क्लीनिंग ग्रीसिंग टाइटनिंग नहीं कराया, तो ये गाड़ी कितना दिन जाएगा। एक कार खरीदते हो चक्का चाट जाएगा, इसीलिए बैलेंसिंग कराते हो, 1500 रुपया 1 घंटा 15 मिनट में लगता है, तुम्हारा शरीर का बैलेंसिंग कितना बार कराया। तो इसलिए ये स्वास्थ्य गुरुकुल शिविर का लक्ष्य केवल दवाई बना के पैसा कमाना, रोगी ठीक करना नहीं है, अवरत परंतु अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर को पूर्ण स्वास्थ्यवान बना के यहां से जाओगे। दिनचर्या क्या है, मासचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, वर्षचर्या क्या है, दशा अंतरदशा का चर्या क्या है, इन सबको अपने जीवन पे एक महीना प्रैक्टिस करोगे, उतारोगे, तब जाके आप अगला वैद्य बन सकते हो। अपने शरीर को लेबोरेटरी समझना, जो रिसर्च करना है यही रिसर्च करना, तब एक अच्छा वैद्य, एक अच्छा उपचारक, एक अच्छा योग नेचुरोपैथी पंचगव्य एक्यूप्रेशर सिद्ध विज्ञान अग्निहोत्र का एक अच्छा वैद्य डॉक्टर उपचारक बन सकते हो। क्लियर?